Hello students, in the previous lecture we did the theorems and the definitions of inverse of function. Today we will do some question based on inverse of a function. The first question which we will do is question number 3, part 1. Find the inverse of function f from R to R defined as f of x is equal to x minus 7. कि हमें एक function का inverse फाइंड आउट करना है और फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7. तो करते हैं. देखिए हमें पता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का 1 1 और 1 2 होना नेसेसरी है. तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे फंक्शन 1 1 और 1 2 है भी या नहीं है, कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता. देखिए हमें गिवन है एफ आर से आर तक डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7. फॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन टू एग्जिस्ट इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू. कि फंक्शन का इनवर्स होने के लिए उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है, और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. अब सबसे पहले 1 1 प्रूफ करेंगे. अब 1 1 प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना है नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस. इट मीन्स हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स उठाएंगे उनकी इमेजेस सेम नहीं होनी चाहिए. हम उसका रिवर्स मान लेंगे. लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी टू डिफरेंट एलिमेंट्स such that f of x1 is equal to f of x2. f of x1 function ke according x1 minus 7 is equal to x2 minus 7. imply kya karega, that is x1 is equal to x2. ki hamare paas different elements ki images humne same mani thi, to hamare paas elements bhi kya aa gaye, same hi aa gaye. to aisa possible nahi hai ki different elements ki image same ho. to aisa agar possible nahi hota to function kaun sa hota hai, 1 1. अब फंक्शन को हमें ऑन टू दिखाना है. ऑन टू दिखाने के लिए हमें क्या करना है, को डोमेन में से कोई भी एलिमेंट उठाए तो उसकी डोमेन में प्री इमेज मिलनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हमने वाई कोई को डोमेन से उठाया, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स एंड देयर एग्जिस्ट x belongs to R domain such that f of x is equal to y. कि हमने एक को डोमेन से एलिमेंट उठाया और एक एग्जिस्ट करेगा डोमेन के अंदर एलिमेंट सच दैट मैं x के ऊपर f लगा रही हूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल. f of x किसके इक्वल है, x minus 7 is equal to y. 7 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, x की वैल्यू आ गई 7 प्लस वाई. देखिए y एक रियल नंबर था, उसमें एक रियल नंबर ऐड करेंगे, 7 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो दोनों का रिजल्ट भी एक रियल नंबर आएगा. तो जब जब हम y एक रियल नंबर उठाएंगे, x एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उस y से 7 ग्रेटर होगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा. तो हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज मिल जाएगी. तो जब भी ऐसा होगा फंक्शन, तो फंक्शन कौन सा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन. तो इट मीन्स हमारा फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया. और 1 1 ऑन टू होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव. और जैसे ही फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो हम कहेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब बात रही इनवर्स फाइंड आउट करने की, कैसे करेंगे. देखिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल. एक्स इधर ही रखा, एफ को उधर लेके जाएंगे तो एफ इनवर्स वाई. एक्स की हमने वैल्यू निकाली थी, यहां देखिए 7 प्लस वाई, तो हमने ये वैल्यू रख दी 7 प्लस वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई. और वी कैन से दैट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 7 प्लस वाई. विद दिस मेथड वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. क्या है क्वेश्चन, लेट एफ फ्रॉम आर माइनस 1 से आर माइनस 1. इट मीन्स पूरे रियल नंबर्स के सेट में से ओनली 1 को हटा दिया गया है. बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स माइनस 1. जहां पे जो x है वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, सच दैट शो करना है, शो दैट एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हमें ये शो करना है कि f का जो इनवर्स होगा वो खुद उसी फंक्शन के इक्वल होगा. देखिए वही हमें इनवर्स तो फाइंड आउट करना ही है, उसके लिए हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा. देखिए कैसे करते हैं. एफ कोई भी फंक्शन है आर माइनस 1 से आर माइनस 1 तक डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स माइनस 1. फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव. तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन टू होना जरूरी है. तो 1 1 के लिए लेट एक्स 1 एक्स 2 बिलोंग्स टू आर माइनस 1 बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2. एफ ऑफ एक्स 1 किसके इक्वल है, एक्स 1 बाय एक्स 1 माइनस 1. एफ ऑफ एक्स 2 एक्स 2 बाय एक्स 2 माइनस 1.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए थे जिनकी इमेजेस सेम थी, तो एलिमेंट्स भी क्या हो गए, सेम हो गए, f इज 1 1। अब हमने ऑन टू के लिए वही को डोमेन से एक एलिमेंट उठाना है, y उठा लिया कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एंड देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x किसके इक्वल है, x बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई की, x वाली टर्म्स को एक साइड ले लिया जो कॉमन आता है लेके, और फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ गई y बाय y माइनस 1। देखिए x कब डिफाइन नहीं होगा, जब y की वैल्यू क्या होगी 1, और y हमने कहाँ से उठाया, r माइनस 1 से, तो y 1 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हमेशा एक रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, रियल नंबर माइनस सेट 1। ठीक है, तो जब जब हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को डोमेन से उठा रहे हैं, तब तब डोमेन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ क्या हो गया, ऑन टू, एफ वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो एफ क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल दिया हुआ है, और x किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स y के। x की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, y बाय y माइनस 1, वो किसके इक्वल हो गया, f इनवर्स y के। मैं दोबारा लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, f इनवर्स y इज इक्वल टू y बाय y माइनस 1। वेरिएबल को अगर चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इम्प्लाइज f इनवर्स x इज इक्वल टू x बाय x माइनस 1। और यही कौन था हमारा, f ऑफ x, यही हमारा f ऑफ x था, तो इट इम्प्लाइज जो f इनवर्स x हो गया वो f ऑफ x के इक्वल हो गया, यही हमें शो करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, लेट ए कोई भी सेट है आर माइनस सिंगलटन टू का सेट, इट मीन्स पूरी रियल लाइन में से सिर्फ टू को हटा दिया गया है, और बी कोई भी सेट है आर माइनस सिंगलटन वन का, और एफ कोई भी फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, शो दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू एंड हैंस फाइंड एफ इनवर्स। हमें ये दिखाना है कि एफ वन वन ऑन टू भी है, और साथ में हमें उसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन है हमें एफ फंक्शन है ए से बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू। फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव, ये हमें पता है, बाइजेक्टिव मतलब हमने वन वन और ऑन टू दिखाना है। लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स टू। हम ऐसे ही दिखाते हैं वन वन फंक्शन की, हमने तो डिफरेंट एलिमेंट्स उठा लिए जिनकी इमेजेस क्या है सेम। एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन माइनस वन बाय एक्स वन माइनस टू इक्वल्स एक्स टू माइनस वन बाय एक्स टू माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई की, जो कैंसिल होता था कैंसिल कर दिया, ये बचा हमारे पास फाइनली माइनस एक्स टू माइनस टू एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन। x2 वालों को एक साइड ले लिया, x1 वालों को एक साइड ले लिया, यहां से हमारे पास क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए थे जिनकी इमेजेस सेम थी, बट एलिमेंट्स भी क्या आ गए, सेम ही आ गए, तो f क्या हो गया, ऑन वन वन। अब ऑन टू दिखाएंगे, ऑन टू के लिए हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया कहाँ से, को डोमेन से, और एक एलिमेंट x एग्जिस्ट किया कहाँ पे, डोमेन में, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई की, वाई के साथ उधर जाके एक्स वाई माइनस टू वाई, एक्स वालों को एक तरफ ले लिया, वन माइनस वाई बचेगा अंदर, वन माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। देखिए जब जब y 1 के इक्वल नहीं होगा तब तब ये डिफाइन होगा x। देखिए हमने जो b सेट लिया था, b सेट क्या गिवन था हमें, r माइनस 1, तो को डोमेन में 1 है ही नहीं, तो y 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इट मीन्स ये x हमारा डिफाइंड है, तो f क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। देखिए f 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो f बाइजेक्टिव हो गया, हम कह सकते हैं f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, x किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स y के, क्योंकि साइड ले चले। x की वैल्यू देखिए यहाँ ये रही माइनस टू वाई प्लस वन बाय वन माइनस वाई, ये वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस टू वाई प्लस वन बाय वन माइनस वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो
क्या ये कह सकते हैं एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस वन बाय वन माइनस वाई। अगर आप वेरिएबल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पर, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई कीजिए, हो जाएंगे सभी के। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। थैंक यू।